आदरणीय महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप आ सके। ऐसे आवागमन का और जापान के साथ विचार विनिमय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपके देश के साथ निकट संपर्क कायम करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपकी भारत यात्रा दिलचस्प तथा सुखद रही है और आपकी सुख सुविधा का भली भांति ध्यान रखा गया है। आपने देखा ही होगा कि हमारी समस्याएं आपकी समस्याओं से भिन्न हैं। भारत का आकार ऐसा है कि हमारी समस्याएं हमेशा ही विशाल रही हैं, केवल समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। आपको शायद मालूम है कि यह पहला मौका नहीं है कि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। वस्तुतः आज प्रमुख राजनीतिक दलों प्रजा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे। इस बार अंतर बस यही है कि जिस दल ने कांग्रेस को छोड़ा है उसने पुराने नाम को बनाए रखा है, यद्यपि अब उन्हें कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह दल, जैसा कि आपको विदित है, हमारी संख्या का एक तिहाई है और वे जब हमारे साथ थे तब भी इस दल के बहुत से सदस्य पार्टी के अंदर से हमारा विरोध करने में सक्रिय थे, जिससे स्थिति ज़्यादा कठिन ना होकर एक प्रकार से अधिक सरल हो गई है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि कौन लोग आपके विरोधी हैं तो आप अधिक कुछ नहीं कर सकते। आपने जिन दो बातों का जिक्र किया है उनसे अवश्य ही राजनीतिक जीवन में जटिलता आ गई है, लेकिन कांग्रेस में विभाजन हुए अब कई महीने बीत चुके हैं। इससे वैसी कोई उथल पुथल नहीं हुई जिसकी आशंका कुछ लोगों को थी और जिनके लिए कुछ लोग आशा कर रहे थे। देश और कांग्रेस दोनों ही ने इस विभाजन को सहज भाव से लिया है। अभी पिछले सप्ताह ही हमें संसद में सरकार के शक्ति परीक्षण में भाग लेने का अवसर मिला। सरकार को मिलने वाले वोट उसके विरुद्ध मतों की अपेक्षा तिगुने थे। एक संशोधन पर सभी विपक्षी दलों, विपक्षी कांग्रेस ग्रुप तथा सभी अन्य विपक्षी दलों ने हमारे विरुद्ध मत दिए, फिर भी हमें स्पष्ट बहुमत मिला। अतिवादी कम्युनिस्टों की कुछ और ही कहानी है। हमारे यहाँ लोगों के कई ग्रुप हैं जो सत्ता को चुनौती देते हैं। आदरणीय महोदय, हमारी राजनीतिक रणनीति सुस्पष्ट है। पार्टी और सरकार ने मध्यम वर्ग अपनाया है जो निश्चय ही कुछ वामपंथी झुकाव वाला है। अब हमें अपने लोगों को यह दिखा देना है कि इस मार्ग से चलकर हम अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और परिणाम से मेरा आशय केवल विकास की बढ़ी हुई गति ही नहीं है बल्कि सामाजिक असमानताओं में तेजी से कमी होना भी है। हमारी जनता की आस्था लोकतंत्री व्यवस्था में है। अगर हम तेजी से आर्थिक प्रगति संभव बना सकें तो लोकतंत्र में यह विश्वास और गहरी जड़ें जमा लेगा। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं देश को आगे ले जाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। अब हम 10वीं योजना की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम तेजी से प्रगति कर सकने की स्थिति में हैं। जब देश का समग्र विकास होगा तभी सभी प्रादेशिक तथा अन्य समस्याओं को हल किया जा सकेगा। इसलिए योजना में हमने राज्य क्षेत्र के लिए विनियोजन को बनाए रखा है। हमने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया है। कृषि के क्षेत्र में शुष्क खेती की समस्याओं की ओर हम खास तौर से ध्यान देना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने उन किसानों की मदद की जिनको सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, और इससे हमारी खेती की पैदावार बढ़ती है। मैं समझती हूँ कि पहली बार अनाज के उत्पादन की मात्रा 10 करोड़ टन से ऊपर पहुँच गई है। इसलिए जहाँ तक अनाज का संबंध है, हम आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आर्थिक विकास का अपना महत्व तो है ही, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वह कुछ हद तक राजनैतिक और सामाजिक शांति पर निर्भर करता है। इसलिए हमें देखना है कि आर्थिक विकास कुछ हद तक सामाजिक है, न्याय के साथ मेल खाता रहे। इससे भले ही आर्थिक प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी पड़े, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, अन्यथा सामाजिक तनाव आर्थिक मूल्यों के लिए बाधक सिद्ध होंगे। 10वीं योजना में हमने 5% विकास दर की कल्पना की है, और हम कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना तथा तकनीकी परिवर्तनों को सुदृढ़ आधार देना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत विदेशी सहायता से भी काफ़ी कमी हो जाएगी। वस्तुतः हम सोचते हैं कि इस दशक के अंत तक विदेशी सहायता की जरूरत ही खत्म हो जाए।